हेलो दोस्तों मैं आपका दोस्त आपका मैंटो वी के सर दोस्तों यूट्यूब चैनल के इस इंग्लिश प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों पिछली वीडियो में थोड़ा सा वॉइस की प्रॉब्लम आ गई थी उसका सॉर्ट आउट कर दिया है हमने और नेक्स्ट वीडियो दूसरा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और आज है दोस्तों हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में और दोस्तों अपनी टॉपिक की अपने टॉपिक की बात करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों जो लोग अभी तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल लाइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का कंटेंट आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा और इसी के साथ हम अपने जर्नी की शुरुआत करते हैं दोस्तों और आज हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट दोस्तों जैसा कि मैंने प्रेडिकेट में पढ़ा रहा हूँ और प्रेडिकेट में मैंने वर्ब को आपको पढ़ा दिया है वर्ब के बारे में भी बता दिया है ऑब्जेक्ट को भी पढ़ाया है और आज हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट दोस्तों कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट से बना हुआ है कंप्लीट से दोस्तों कंप्लीट का अर्थ हो इसका अर्थ होता है पूरा करना मतलब किसी चीज़ को पूरा करना इसका लिटरल मीनिंग ये निकलता है दोस्तों अगर हम बात इसी को वाक्य के तहत करें तो ये किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करता है जैसे दोस्तों अगर हम कॉम्प्लीमेंट बात करें तो दोस्तों इसकी अगर स्पेलिंग की बात करें सबसे पहले तो सी ओ एम पी एल ई एम ई एन टी कॉम्प्लीमेंट ये इसका मतलब होता है पूरक यानी जो पूरा करने वाला होता है पूरक होता है और सी ओ एम पी एल आई एम ई एन टी इसका मतलब होता है प्रशंसा यानी प्रेज दोस्तों और अगर हम बात और यहां इसमें एक कॉम्प्लीमेंट सी ओ एम पी एल आई एम ई एन टी अगर इसमें एस लगा दें तो इसका मतलब हो जाता है गुड विशेष से यानी अगर हम इस सी E ओ एम पी एल ई एम ई एन टी कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो इसका मतलब होता है पूरक और इसी में अगर हम कॉम्प्लीमेंट सी आई लगा ई e की जगह पर आई कर दें तो इसका मतलब होता है प्रशंसा करना प्रशंसा करना और यहीं पर अगर हम बात कर, अगर इसमें लास्ट में एस जोड़ दें तो इसका मतलब हो जाता है गुड विशेष से यानी गुड uh, विशेष जैसे कि किसी को बधाइयाँ वगैरह देना तो या किस तो हम कॉम्प्लीमेंट के बारे में इस बेलिंग के माध्यम से हमने समझ लिया होगा और अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट जो हमको आज पूरक के रूप में पढ़ना है दोस्तों कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक यानी जो पूरा करने वाला और कॉम्प्लीमेंट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो दोस्तों यह डेफिनेशन वह शब्द यानी कोई भी शब्द जो वाक्य के अर्थ को पूरा करता हो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है जैसे कि दोस्तों कॉम्प्लीमेंट दो तरह से होते हैं नंबर एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यानी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इट इज पार्ट ऑफ सब्जेक्ट यानी ये जिसका संबंध सब्जेक्ट से होता है यानी ये जो सब्जेक्ट का पार्ट होता है और इट इज पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट का हिस्सा होता है दोस्तों अगर हम इसके एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को लें तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यानी वह शब्द जो सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता हो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है जैसे कि दोस्तों अगर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट जैसे किसी शब्द के पीछे सब किसी शब्द में आकर के उसका उसके अर्थ को पूरा करता है किसी वाक्य में आकर के उसके अर्थ को पूरा करता है जैसे अगर हम ही इज मतलब वह है अब क्या है कैसा है कौन है इसके बारे में अगर इतना लें तो वो नहीं बताता है तो अगर हम इसमें कॉम्प्लीमेंट के तौर पर ऑनेस्ट लगा दें तो क्या हो जाएगा ही इज ऑनेस्ट मतलब वह ईमानदार है दोस्तों यह ऑब्जेक्ट के रूप में है आया है और ये अगर इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये एडजेक्टिव है दोस्तों कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी हो सकता है नाउन भी हो सकता है प्रोनाउन भी, भी हो सकता है और यहाँ तक इन्फिनीटिव भी हो सकता है दोस्तों यानी कॉम्प्लीमेंट के तौर पर आ सकता है अगर दूसरे वाक्य की बात करें तो सी इज मतलब वह है क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट ब्यूटीफुल कॉम्प ब्यूटीफुल यह भी एक एडजेक्टिव है अगर इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें और यह ऑब्जेक्ट के रूप में आ करके इस वाक्य को पूरा करता है यानी सी इज ब्यूटीफुल लेकिन ये दोनों वर्ड क्या हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट हैं ये हमारे कॉम्प्लीमेंट हैं यानी होनेस्ट भी कॉम्प्लीमेंट है और ब्यूटीफुल भी कॉम्पलेंट कॉम्प्लीमेंट है और तीसरे एग्जाम्पल की बात करें माई ब्रदर इज अ डॉक्टर मैंने बोला है कि यह यहाँ पर जहाँ एडजेक्टिव के रूप में अ कॉम्प्लीमेंट आ रहा है वहीं यहाँ नाउन के रूप में कॉम्प्लीमेंट आया है यानी दिस माई ब्रदर इज अ डॉक्टर मतलब मेरा भाई एक डॉक्टर है तो ये क्या है ये भी एक कॉम्प्लीमेंट है अगर तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दिस पेन इज माइन मतलब यह पेन मेरा है दोस्तों यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में आकर के कॉम्प्लीमेंट अगर इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये भी प्रोनाउन है लेकिन यहाँ पर जो रोल अदा कर रहा है वो ऑब्जेक्टिव के रूप में आकर के कॉम्प्लीमेंट का रूप अदा कर रहा है दोस्तों दोस्तों माइन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं जैसे आई माई मी और माइन तो ये क्या हुआ प्रोनाउन ये हमारा आई मतलब प्रोनाउन हो गया माई हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है ये ये पोजेसिव एडजेक्टिव है और मी हमारा ऑब्जेक्ट है और माइन हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है यानी ये हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है और यहीं पर अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो द हाउस इज टू लेट यानी घर किराए के लिए खाली है तो यहाँ पर दोस्तों इन्फिनीटिव मैंने बोला ना कि इन्फिनी के रूप में भी आ सकता है तो ये कॉम्प्लीमेंट एक इन्फिनीटिव के रूप में आया है टू लेट मतलब किराए के लिए खाली होना जैसे कि हम लोग रूम वगैरह ढूंढने जाते हैं तो देखते हैं क्या है कि गेट पर लगा होता है टू लेट ये जो जिसका किराए पर उठाना होता है या देना होता है तो वो इन्फिनीटिव के रूप में यहाँ पर आकर के रोल अदा कर रहा है ये हमारा क्या था सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्टिव मतलब कि ये ही इज ऑनेस्ट मतलब ये इसकी इसके बारे में बता रहा है ऑनेस्ट कौन है ही यानी सब्जेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में मतलब ब्यूटीफुल कौन है सी यानी सी के बारे में बोलो सी यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है और सब्जेक्ट के अगर बारे में बताता है तो ये क्या हो गया सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यहीं पर ब्रदर सब्जेक्ट है और ब्रदर के बारे में बताता है कौन है तो ये डॉक्टर है और यहीं पर अगर पेन की पेन यहाँ पर सब्जेक्ट है पेन के बारे में बताता है तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है द हाउस इज टू लेट यानी कौन चीज़ किराए पर खाली है तो द हाउस और हाउस क्या है सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के बारे में बताता है इसलिए ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ अब हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के बारे में यानी वह शब्द जो सब्जेक्ट के अर्थ वह शब्द जो ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है वह ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है जैसे अगर दोस्तों अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें एन ओल्ड किंग मेड हिज एल्डेस्ट सन किंग यानी कहने का मतलब है कि एक बूढ़े राजा ने मेड मतलब बनाया हिज एल्डेस्ट सन यानी अपने सबसे बड़े बेटे को क्या बनाया किंग यानी राजा बनाया तो यहाँ दोस्तों हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में हीज इल्डेस्ट सन आया हुआ है ये हमारा क्या है अब जैसे अगर देखें एन ओल्ड किंग मैड एक बूढ़े राजा ने बनाया इसका ये हमको अनकम्प्लीट वाक लग रहा है अगर हमको इसको पूरा करना होता है तो इसमें ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के रूप में हमको कुछ ना कुछ लगा कॉम्प्लीमेंट के रूप में लगा करके इस वाक्य को एक अच्छा रूप या अच्छा अर्थ देते हैं जैसे हिज इल्डेस्टन ये क्या है हमारा ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है और दूसरा अगर एग्जांपल देखें दोस्तों दूसरा एग्जांपल देखें उससे पहले मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा दोस्तों एक चीज होता है ओल्ड ओल्डेस्ट ओल्ड और ओल्ड, old, ओल्डर, old, और एक होता है इल्डर दो चीज़ें होती हैं ये हमेशा याद रखना कि ओल्डर यह ओल्डर जो होता है जैसे पर्सन और थिंग्स एनिमल एंड आल मतलब सबके लिए आता है और जो एल्डर होता है ये ओनली पर्सन के लिए आता है जो कि ब्लड रिलेशन होते हैं जो ब्लड रिलेटिव होते हैं उनके लिए हम एल्डर का प्रयोग करते हैं ओल्डर तो सबके लिए आता है पर्सन भी होता है थिंग्स भी होता मतलब एनिमल मतलब सबके लिए होता है ओल्डर का प्रयोग किया जाता है और नेक्स्ट एग्जांपल अगर बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है जैसे सी मेड मी फूल मतलब अगर हम कॉम्प्लीमेंट को फूल हटा दें तो उसने क्या होगा सी मी मुझे बनाया अब क्या बनाया उसमें हमने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया फूल तो यह सेंटेंस का वाक्य अर्थ पूरा हो गया यानी सी मी फूल उसने मुझे मूर्ख बनाया और अगर तीसरे वाक्य की बात करें ही नेम्ड द चाइल्ड उसने अपने बच्चे का नाम रखा या नाम दिया क्या विमल दोस्तों यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो ही नेम्ड उसने नेम्ड दिया द चाइल्ड अपने चाइल्ड का अब ये भी वाक्य पूरा नहीं हुआ इसमें कॉम्प्लीमेंट के रूप में लगा दिए तो ये वाक्य का पूरा वाक्य का अर्थ निकल आया इसी के तौर पर हम देखते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा ये आया तो और फूल भी ऑब्जेक्ट के रूप में है और चाइल्ड भी ऑब्जेक्ट के द चाइल्ड चाइल्ड नेम विमल जो रखा है वो भी ऑब्जेक्ट के रूप में आया है यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है एन ओल्ड किंग और यहाँ पर है सी और यहाँ पर है ही सब्जेक्ट यहाँ पर क्या यहाँ पर फूल ऑब्जेक्ट के रूप में आया है और यहाँ पर द चाइल्ड विमल जो नाम आया है वो हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में आया है जैसा कि दोस्तों हमने समझ लिया होगा कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को कि जब हमारा कोई भी, भी वाक्य सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है तो वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है और जब कोई वाक्य ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कॉम्प्लीमेंट हमेशा एडजेक्टिव भी हो सकता है नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है इवन इन्फिनेटिव भी हो सकता है दोस्तों इतना आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर हम नेक्स्ट आगे पढ़ाए दोस्तों यहाँ तक हम समझ लिए होंगे कि कॉम्प्लीमेंट दो तरह से होते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यानी जो सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है और जो ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है जैसे दोस्तों कॉम्प्लीमेंट हमेशा सब्जेक्ट वर्ब प्लस जो नाउन या प्रोनाउन आता है और इससे समरूपता रखता है यानी सब्जेक्ट से समरूपता रखता है वह हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है और यदि वह ऑब्जेक्ट की विशेषता बताने लगता है तो हमारा वह ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है और अब हम आग बात करें अगर इससे आगे की तो रिमार्क में मेरे दोस्तों कि नोट कर लीजिएगा इस बात को ऑब्जेक्टिव uh, कॉम्प्लीमेंट से पहले कभी भी एज और लाइक like का प्रयोग नहीं किया जाता है इसका क्या तात्पर्य दोस्तों तो इसका मतलब यह है कि जैसे अगर हम एग्जाम्पल लिए हैं पीछे से ही वाला एग्जाम्पल ले लिए हैं एन ओल्ड किंग यानी एक बूढ़े राजा ने मेड हिज उसने अपने एल्डेस्ट uh, सन मतलब अपने सबसे बड़े बेटे को बनाया एज किंग दोस्तों जैसा कि उसने अपने बड़े बेटे को राजा के रूप में नहीं बनाया बल्कि कि वह राजा ही बनाया तो दोस्तों यहाँ हमेशा एक चीज़ याद रखना कि कॉम्प्लीमेंट में कब जैसे कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट से पहले कभी भी एज और लाइक का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों जैसे कि हम ये पूरा कॉम्प्लीमेंट है और कॉम्प्लीमेंट जैसा कि मैंने बताया है कि यहाँ ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ये कि ये ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है क्योंकि यहाँ एन ओल्ड किंग ये ए हो गया उसका सब्जेक्ट मेड इसकी हो गई क्रिया यानी वर्ब और हिज इल्डेस्ट सन किंग यानी ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट दोस्तों और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में एज और लाइक like का प्रयोग कभी भी नहीं होता है और बात एक और रिमार्क की करें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हमेशा सब्जेक्टिव क्लाज में आता है दोस्तों सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हमेशा सब्जेक्टिव क्लॉज में आता है और तीसरे रिमार्क की बात करें ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और दोस्तों जैसे कि एक छोटा सा आप लोगों के अंदर क्वेश्चन उठता होगा कि फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर क्या होता है दोस्तों ऑब्जेक्ट जैसे कि मैंने पिछले एग्जाम पीछे एग्जाम्पल में लिया था सी सी मेड मी फूल ये एग्जाम्पल हमने लिया था दोस्तों उसने मुझे मूर्ख बनाया अब हम अगर मेन ऑब्जेक्ट की बात करें तो मेन ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अगर बेसिक डिफरेंस की बात करें तो बेसिक डिफरेंस ये होता है जिसका पे वाइज बन जाता है वो हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है और कॉम्प्लीमेंट का कभी भी कॉम्प्लीमेंट का कभी भी पेशीव नहीं बनता है अगर हम इसका पेशी वाइज बनाएं तो क्या बनेगा मी का हो जाएगा आई और फूल और मेड है तो वाज तो क्या ये इसका मतलब इसका पेशी वाइज बनेगा पहले आप थोड़ा दिमाग से सोचिएगा क्या हम इसका पेशी वाइज बना सकते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे दो मेरे फूल के द्वारा मतलब अर्थ कुछ अनर्थ हो रहा है इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सिर्फ वह ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है और ऑब्जेक्ट की बात करें जैसे आ, नीचे एग्जांपल लिया है रमेश राइट्स आ लेटर यही यहीं पर लिख लेते हैं जैसे ऑब्जेक्ट की बात करें तो रमेश राइट्स आ लेटर मतलब रमेश राइट्स मतलब लिखता है आ लेटर मतलब एक पत्र यहाँ ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि तो अगर हम इसका पेशी वाइस बनाए तो इसका पे वाइस बनेगा रमेश इज सॉरी आ लेटर आ लेटर इज रिटर्न राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न बाई रमेश ये हमारा पेशी बन जाता है और अभी अगर हम बात अगर इसकी करें जैसे रमेश इज माय फ्रेंड अब इसका पेशीवाइज़ बनाएं क्योंकि तो ये तो माई फ्रेंड तो ये तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है तो इसका पेशीवाइज़ तो हम बना नहीं सकते क्योंकि तो कॉम्प्लीमेंट का कभी भी कोई भी पेशीवाइज नहीं बनता है यही हमारा रिमार्क कहता है कि एक्टिव वाइज से पेशी बनाते समय ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाया जाता है ये तो हम पेशीवाइज़ में पढ़ेंगे भी कि एक्टिवाइज में एक्टिव और पेशीवाइज़ में जब हम एक्टिव को पैसिव बनाते हैं तो पैसिव को हम उसके ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में ले लेते हैं और कॉम्प्लीमेंट को नहीं जबकि कॉम्प्लीमेंट को हम पेसी वाइज में उसका ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं इसका अर्थ हुआ जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है उसका पेशी वाइस नहीं बन सकता है दोस्तों बेसिक डिफरेंस यही है कि यह एक कॉम्प्लीमेंट है और कॉम्प्लीमेंट कभी भी नहीं बन सकता कॉम्प्लीमेंट का और ऑब्जेक्ट का हमेशा जो किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट मैन होता है उसका हमेशा पेसी वाइज बन जाता है यही डिफरेंस है जिसका पेसी वाइज बन जाए वो ऑब्जेक्ट है और जिसका पेसी वाइज ना बने वो हमारा कॉम्प्लीमेंट है और दोस्तों इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और जो लोग स्क्रीन लेना चाहें वो स्क्रीन भी ले सकते हैं और दोस्तों मैं अपनी क्लास को यहीं पर विराम देता हूँ उम्मीद है कि दोस्तों पढ़ाया गया जो भी टॉपिक है आपको समझ में आया होगा आज हमारा वर्ब प्रेडिकेट पूरा हो गया है जिसमें वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट मैंने तीन क्लासें पूरी कर दी हैं और जिन जो लोग पिछली क्लास को नहीं देखे हैं या पुछली पिछली पिछली यानी वर वर ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं जान जान पाए हैं अगर इस क्लास में देखें हैं तो दोस्तों वो पिछली क्लास में जा कर के आप लोग यूट्यूब मतलब आप यहीं पर मिल जाएगा आपको और आप लोग इस मतलब इसको पूरा देख लीजिएगा और यहीं पर हम अपनी क्लास को आज विराम देते हैं और हमारा आज प्रेडिकेट पूरा हुआ और अब नेक्स्ट टॉपिक हम टेंस की बात करेंगे और दोस्तों इसी के साथ आ, मैं अपनी क्लास को विराम देता हूँ थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो आई इंटिल देन टेक केयर और हाँ जो लोग दोस्तों अभी तक इस वीडियो को मतलब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा थैंक्स